दोस्तों, आपने स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने नर्क की अप्सराओं के बारे में सुना है? वैसे सुना जरूर होगा, आखिर हर आतंकवादी इसी की तो चाहत रखता है। तो इन नर्क की अप्सराओं हूरों वाले हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर एक फिल्म बनाई गई है, 72 हूरें, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह फिल्म उस काल्पनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसने ना जाने कितने लोगों का ब्रेन वॉश करके उनका नामो निशान तक मिटा दिया। तो सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे, फिर यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट आखिर क्या चीज है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी में हम देखते हैं कि बिलाल और हाकिम नाम के दो मुसलमान सादिक नाम के एक मेंटली सिक ब्रेन वॉश्ड मौलाना की बातों में आकर जिहाद के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मौलाना उन्हें 72 हूरों का लालच देकर आतंकवाद फैलाने के लिए उकसाता है। वो उन्हें बताता है कि जिहाद के रास्ते पर चलकर जो शहीद होता है उसे जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। इस लालच में उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर वो दोनों भारत आते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर बोलकर खुद को उड़ा लेते हैं। दरअसल यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें बहुत से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मरने के बाद इनका शरीर तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी आत्मा इसी धरती पर मेटाफिजिकल फॉर्म में भटकती रहती है। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास रहता है कि मौलवी की कही बातें सच होंगी। जल्द ही जन्नत से 72 हूरें उन्हें लेने आएंगी और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बताए जिहादी मकसद को पूरा किया है। समय बीतने के साथ साथ उनका यह अटूट विश्वास टूटने लगता है। इसी असमंजस में दिन, महीने और साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन मौलाना ने उन्हें जैसा बताया था वैसा कुछ नहीं होता है। फिर उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी बॉडी को इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं दफनाया गया है, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जा पा रहे। दूसरी तरफ उनकी बॉडी के साथ पॉलिटिकल गेम होने लगता है। जहां एक तरफ भारत सरकार उसे दफनाने से मना कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार बॉडी लेने से मना कर देती है। बड़ी मशक्कत के बाद जब उन्हें दफनाया भी जाता है तो कोई उनकी बॉडी को ही खोदकर निकाल ले जाता है और ले जाकर समुन्द्र में फेंक देता है। फिर वहां से उनकी बॉडी रिकवर की जाती है और आखिरकार इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मेटाफिजिकल फॉर्म में ही भटकते रह जाते हैं। ना ही उन्हें जन्नत नसीब होती है और ना ही उन्हें दोजख, और 72 हूरें तो बहुत दूर की बात है। और यहीं पर फिल्म एक इस्लामिक वर्स के साथ खत्म हो जाती है, जो यह कहती है कि किसी एक इंसान को मारना पूरी दुनिया को मारने के बराबर है। अब इसमें दिखाए गए उस कंट्रोवर्शियल थ्योरी की बात करते हैं। क्या यह सच है कि जिहाद के रास्ते पर चलने से जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं? इस्लाम में यह 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट कोई मिथ है या हकीकत? आइए उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। शहादत की चाह रखने वाले लोगों को यह बताया जाता है कि शहीद होने पर जो खून बहेगा उसकी पहली बूंद से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और जन्नत में जाने पर उन्हें अय्याशी करने के लिए 72 हूरें मिलेंगी, जो कि खूबसूरत वर्जिन लड़कियां होंगी। और यह सब बातें हम यूं ही नहीं बोल रहे। मरने से पहले खुद को बम से उड़ाने वाले बहुत से आतंकवादियों ने अपने लिखित बयान में ये कहा है कि ये जन्नत में जाने का सबसे छोटा पेनलेस यानी दर्द रहित शॉर्टकट है। लेकिन एक तरफ जब आप किसी पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट सरासर काल्पनिक है और बहकाने वाला है। यह पूरी तरह से कुरान विरोधी है, क्योंकि कुरान के अनुसार अगर आपने कलमा पढ़ा है तो किसी का खून बहाना आपके लिए हराम है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसे कई लोग भी मिल जाएंगे जो सॉलिड प्रूफ के साथ यह साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 72 हूरें सच में होती हैं। अब यहाँ फैसला आपको करना है, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप इस फिल्म से कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ आपको निराश होना पड़ सकता है, और वो भी बहुत ही ज्यादा। कोई भी धर्म और उसका धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि मासूम लोगों को मारेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यह बात फिल्म ठीक से समझा ही नहीं पाती है।
अब देखिए ना, इसके ट्रेलर को ही आपत्तिजनक मानकर सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया गया था। लेकिन यह फिल्म इस्लामोफोबिक या प्रॉब्लमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि इस पर आरोप लगाया जा रहा था। एक तरफ जहां इस फिल्म पर यह आरोप लगा है कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ इसके मेकर्स का यह कहना है कि यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। तो ओवरऑल यह फिल्म इस्लाम के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ है, इसका फैसला हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। इस फिल्म को खुद देखिए और अपना विचार बनाइए। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।